दाई इधर जा रही थी रोड ए पार से ओ पार, फिर दाई इधर आई, फिर दाई आई, मैं उसी चक्कर में दाई हो गई। इतना दूर तक घसीटा है वहाँ से, वहाँ है ना, वहाँ से यहाँ तक 100 मीटर होगा खींच के लिए। लाइसेंस जो नहीं है सर, नहीं है लाइसेंस, नहीं है, झूठ क्या है बोले, हम बना ही नहीं, नहीं लाइसेंस ना बनवाया है। फोर व्हीलर गाड़ी है, हाईवे पर चला रहा है। सीओ साहब, वीडियो साहब, हम पैसा देंगे 5 लाख रुपये, आज तक चवन्नी नहीं मिला। के अधिकारी वादा करते हैं लेकिन पूरा नहीं करते, हमारा एकदम खत्म है, उनका कोई कार्रवाई नहीं है, खाली बस दारू चल रहा है, देख नहीं रहे आप कहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है, बस यहाँ मुआवजा देंगे उसके बाद ही कोई बात होगा। बीए, बीकॉम, बीएससी, एमए, एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से, सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें, संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, डीएवी पीजी कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। जो साड़ी होता है वो गाड़ी में फंस गया और लगभग 500 मीटर दूरी तक घसीटते हुए यहाँ पर लाया और यहाँ पर मौत के घाट उतर गई। यहाँ पर देख सकते हैं इस भरतपुरा गांव के लोग चक्का जाम किए हैं, पुलिस प्रशासन भी आ गई है और यहाँ पर लोग इकट्ठे, हम लोग जाम चक्का जाम कर रहे हैं, मुआवजा लेंगे, सीओ साहब और डीओ साहब को बुलाएंगे, उसके बाद कोई फैसला होगा जी। ठीक है, कितना दूर तक घसीटा है वहाँ से, वहाँ है ना, वहाँ से यहाँ तक 100 मीटर होगा खींच के लिए। हाँ हाँ, और उसके बाद ड्राइवर देखा है, लोग आगे आगे से हल्ला किए, आगे बस वाला घेरा तब ये ड्राइवर पकड़ाया, न तो ये मार के भाग जाता। उसके बाद पब्लिक अंधी दौड़ के आगे इसको घेर लिए, उसके ड्राइवर के लेके गए उधर बैठाने, ड्राइवर को आप लोग बैठाए हैं जी। कहाँ का गाड़ी है अब ये तो नहीं बताया, कहाँ की गाड़ी है, पुलिस प्रशासन जो आई है, कहाँ की थाना है, तरवारा की थाना है, जी बोला ये हटला, क्या क्या बोले, बॉडी को हटाइए, तो हम लोग बोले बॉडी हटाएंगे, वीडियो साहब सीओ साहब को बुलाइए और उसका मुआवजा दीजिए, क्या डिसाइड कर रहे हैं उसके बाद ही हटाएंगे। इनके परिवार में कौन कौन, परिवार में अभी कोई नहीं है, इनका पति भी नहीं है, पहले बिफोर में है, इनका डेथ हो गया इनके पति का, और फिलहाल ये अकेले है और इनके लड़के बाहर रहते हैं दिल्ली में, दो जने हैं अलग अलग है, इनका कोई फैमिली अभी नहीं है यहाँ पे, कोई भी देख रहे जी नहीं, इनकी क्या बोलते पतो है, पतो है जी जी। और यहाँ पर मुआवजे की मांग को लेकर यहाँ पर खड़े हुए हैं, वैसे बिहार राज्य में एक्सीडेंट होता है तो मुआवजा जल्द नहीं मिल पाता है, इसीलिए लोग रोड को जाम करते हैं कि सीओ और बीडीओ वगैरह सब आए और मुआवजा देने की जो कार्रवाई होती है वो करे। अब चलिए हम लोग ड्राइवर को यहाँ पर बंद किए हुए हैं, लड़का का एक्सीडेंट यहाँ हुआ था, एक ही लड़का था, ठीक है, उसका वीडियो साहब है, सीओ साहब है, कोई मुआवजा नहीं मिला है, कुछ भी नहीं मिला है, तो वो घिस रहे सिवान चीज चक्कर किए, वादा किए थे सीओ साहब वीडियो साहब हम पैसा देंगे 5 लाख रुपये, आज तक चवन्नी नहीं मिला, तो बताइए हम लोग कैसे हटाएंगे, खाली झूठा बवाल है, बिहार में यही हो रहा है सब, झूठा बोलबाला है बस। नीतीश कुमार के अधिकारी वादा करते हैं लेकिन पूरा नहीं करते, हमारा एकदम खत्म है, उनका कोई कार्रवाई नहीं है, खाली बस दारू चल रहा है, देख नहीं रहे आप कहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है, बस यहाँ मुआवजा देंगे उसके बाद ही कोई बात होगा। वीडियो साहब सीओ चाहिए यहाँ, या ना मुआवजा देने की कार्रवाई जैसे कागजों में पूरी होती है वैसे धरातल पर आदमी के पास पहुंच जाता मुआवजा तो शायद ऐसे चक्का जाम नहीं लगता। यहाँ पर पुलिस प्रशासन की भी बात जनता नहीं मान रही, आखिर क्यों नहीं मान रही है, क्योंकि अधिकारी जो होते हैं मुआवजा की बात करती है लेकिन पुलिस प्रशासन ने खुद घुस ले ला है गाड़ी के रोका के पैसा वसूल ला पुलिस प्रशासन, इंजीनियर रोड पर ट्रक वाला से पुलिस प्रशासन ने खुद गलती बैठे कमी बा करवारा थाना, अब तो कौन थाना है सर, सब थाना है पूरा बिहार में ऐसे ही है, सेम है, पूरा पुलिस वाले पैसे लेते हैं, कहाँ नहीं लेते हैं, हर जगह लेते हैं, आपको भी मालूम है, ठीक है, इसमें झूठ बात नहीं, पूरा दुनिया पर बोला यहाँ पे हुआ था, प्रशासन बोला कि मुआवजा मिलेगा, 1 रुपया नहीं मिला अभी तक। यहाँ पर देख सकते हैं वादा करते हैं नीतीश कुमार के अधिकारी लेकिन बाद में भूल जाते हैं जब तक मुसीबत हटती नहीं है, मुसीबत हटाने के लिए अनेक वादाएं करते हैं लोगों से लेकिन वैसा कुछ हो नहीं पाता है। का भाई कैसे मार दिए, अब तो रो रहे हो, चलाने के टाइम तो तुम लोग सोचते नहीं हो, किसी को साइड नहीं देते हो हाई लेकर ऐसे ऐसे भागते हो तुम। नहीं सर, हाँ उधर जा रहे थे, दाई इधर जा रही थी रोड ए पार से ओ पार, फिर दाई इधर आई, फिर दाई गई, मैं उसी चक्कर में दाई हो गई, दाई इधर आकर रोड पार कर गई, फिर इधर आ गई, फिर उधर। अच्छा, आराम से चलाते, स्पीड तो उस समय 80-90 के पास होगा सर, आराम से चलाते तो संभाल लेते। 55 था सर, झूठ नहीं बोले, जान के सब बोलता है झूठ, आप लोग स्पीड ना चलाते नहीं, ऐसे पिकअप तो बहुत तेज रोड पर चलाता है सब, लेकिन आप लोग गाड़ी सर लालगंज की गाड़ी है सर, लालगंज वैशाली जिला हुआ सर। क्या नाम है? विकास कुमार सर। अब वो तो चली गई, सावधानी बरते होते तो शायद वो बच गई होती सर, हम जान उसके नाम आ रहे सर, हम जान दाई इधर गए लालगंज सर। तुम्हारा भी लालगंज का है सर, मालिक भी लालगंज का सर। मालिक क्या बोले, बात हुआ? बात बोला कि भाई वही से बात हुआ, वही भैया से बात हुआ, हमसे बात ना हुआ। अगर संभाल कर चलाए होते तो शायद ऐसी नहीं, तेज लोग चलाते हैं लेकिन हम नहीं तो 40-50 के नहीं चाहते सर, झूठ ना बोलेंगे आपसे सर, हम क्या है झूठ बोलेंगे, पूछिए हम भगाए नहीं करी है भैया, हम नहीं भगाए, हम रोक दिए, देखिए हम नहीं भगाए, भागे गए,
भागेंगे तो हमको ना खटेगा। लाइसेंस है? लाइसेंस जो नहीं है सर, नहीं है लाइसेंस, नहीं है, झूठ क्या बोल रहे हैं आप, बना ही नहीं है, नहीं लाइसेंस ना बनवाया है। फोर व्हीलर गाड़ी है, हाईवे पर चला रहा है। सर झूठ काहे कहेंगे लाइसेंस आपको, आप झूठ नहीं बोलेंगे। बिना लाइसेंस का कौन बोल रहा है चलाने के लिए? पुलिस चेक नहीं करती है? करती है सर। अब लाइसेंस नहीं रहता है तो क्या करती है? बोलता है सर। बोलता है और क्या करता है? और कुछ नहीं करता, कहता है ऐसा गाड़ी मतलब ना चलाने। कितने साल से चला रहा है? जा नहीं साल से चला रहा हूँ, एक डेढ़ साल से। एक डेढ़ साल? हाँ जा सर। साल में बना नहीं लाइसेंस? एक डेढ़ साल से बना ही नहीं, गरीब आदमी। अच्छा पुलिस पकड़ता है तो पैसा लेकर छोड़ देता है क्या? पैसा नहीं तो मारता है, बोलता है छोड़ देता है। झूठ क्या बोले आपसे? हाँ मारता है, बोलता है छोड़, बोलता है गाड़ी मत बेटा चला, उसे झूठ क्या है किसी के बारे में। यहाँ पर देख सकते हैं बिना लाइसेंस के डेढ़ दो साल से गाड़ी पिकअप हाईवे पर चला रहा है। क्या माल ले जाते हो लाते हो बाबू? इतना सर अति था, आम लेकर आए थे हम, आम लेकर सिवान में। हाँ गिरा कर जा रहे थे, जा रहे बहुत तेजी थी। नहीं सर चलिए यहाँ पर। तो कितना साल उम्र होगा चाची का? तो वो 65-70 का होगा। इनके परिवार में कौन? 70+ होगा तो क्या हुई? 70 के आसपास होगा जी। कौन है घर में? उनका पतो है और लड़का सब बाहर है अभी। घर में कोई नहीं है? पतो है, छोटा बच्चा है, एक लड़का है, वो ससुराल में है। अब यहाँ पर देख सकते हैं गाड़ी की रफ्तार और ड्राइवर की लापरवाही ने 70 वर्षीय वृद्ध की महिला की यहाँ पर जान ले ली है। लोग भी चक्का जाम कर दिए हैं, गाड़ी की भी आवागमन ठप हो गई है। सीओ और वीडियो की मांग है कि वो लोग आए मुआवजे की बात करें, और जो बात करें मुआवजा उचित इन परिवार को मिलना चाहिए। और यहाँ पर देख सकते हैं डेढ़ सालों से लगभग ड्राइवर साहब अपने गाड़ी को हाईवे पर पूरा चला रहे हैं बिना लाइसेंस के। जाँच भी होता है, पुलिस भी नहीं पकड़ती है, आराम से जो सामान होता है यहाँ से वहाँ ढोते रहते हैं। अब मालिक से बात हो रही है, देखते हैं क्या होता है। चलिए इसी के साथ मैं मणिंदर सिंह दबंग 24 से, धन्यवाद।